जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं तो जनरली हमारे माइंड में आता है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड है जहां पर इक्विटी स्टॉक से कम रिस्क होता है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होती है एंड हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कॉन्स्टेंटली ट्रैक नहीं करना पड़ता। ये सारी बातें सही है बट देयर इज मोर टू इट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास तरह तरह की चॉइसेस अवेलेबल हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए ध्यान में रखनी होती है वो है कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एंड गोल्स को मैच कर रही है या नहीं। एंड ये जानने के लिए कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके फाइनेंशियल गोल्स को सेटिस्फाई करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड देयर प्रोज एंड कॉन्स। म्यूचुअल फंड्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो फंड मैनेजर्स एक्टिवली ट्रैक करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली बाय एंड सेल करते हैं। वहीं पैसिव म्यूचुअल फंड आते हैं आपके इंडेक्स फंड्स एंड ETFs। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं एंड हाउ डू दे वर्क। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में मैनेजर्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड बायसेस से अलग अलग ऑप्शंस जैसे इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं एंड मार्केट कंडीशंस एंड फेजेस के अकॉर्डिंग बाय एंड सेल करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर्स पैसिवली फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड्स में मैनेजर्स बेंचमार्क इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50 को ट्रैक करके उस बेंचमार्क इंडाइसेस की कंपनीज में उनकी मार्केट वेटेज के सिमिलर पोर्शन में इन्वेस्ट करके एक रेप्लिका इंडेक्स फंड क्रिएट करते हैं जो कि उस बेंचमार्क के सिमिलर रिटर्न देते हैं। ETFs भी इंडेक्स फंड की तरह ही होते हैं क्योंकि इसमें फंड मैनेजर्स इंडेक्स फंड की तरह आपके फंड को एक स्पेसिफिक बेंचमार्क की डिफरेंट कंपनीज में उनके वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करके एक रेप्लिका इंडेक्स फंड क्रिएट करते हैं। ETFs अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड पर बेस्ड होती है जैसे डेट ETFs और गोल्ड ETFs। हालांकि अपने स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट में ETFs इंडेक्स फंड की तरह होते हैं बट ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जाते हैं लाइक इक्विटीज, इसलिए ETFs को इंडेक्स फंड एंड इक्विटी का कॉम्बो भी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड को आप एट द एंड ऑफ द डे बाय कर सकते हैं एट देयर डिस्क्लोज्ड NAV इन द यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड हाउसेस। दूसरी तरफ ETF से आप स्टॉक एक्सचेंजेस से यूनिट्स में बाय कर सकते हैं एट देयर करंट ट्रेडिंग प्राइस जस्ट लाइक शेयर्स, एंड ये प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बेंचमार्क इंडाइसेस दे आर फॉलोइंग। फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो तो यू बाय देयर यूनिट्स इन अमाउंट, जैसे अगर आपने रुपीज 750 इन्वेस्ट किए हैं इन एन इंडेक्स फंड एंड वन यूनिट रुपीज 500 की है देन यू विल गेट 1.5 यूनिट्स फ्रॉम 750। वहीं अगर आप ETF में यूनिट्स खरीदते हैं सेम एज स्टॉक्स लाइक वन ETF की यूनिट ₹40 की है सो यू कैन बाय टू यूनिट्स फॉर 80 एंड सो ऑन। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड ETFs जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अपने लिए सुटेबल म्यूचुअल फंड चूज करते हुए इज द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर्स की कमीशन होती है जो वो चार्ज करते हैं फॉर पिकिंग द स्टॉक फॉर यू बाय देयर एक्सपर्टीज। जनरली एक्टिव म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है विच कैन गो टू इवन 2%। वहीं इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है समवेयर अराउंड 0.1% एंड ETFs का एक्सपेंस रेशियो इज अराउंड 0.35। एक्सपेंस रेशियो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपने लिए सुटेबल म्यूचुअल फंड चूज करते हो क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आपको बेंचमार्क इंडाइसेस से बेटर रिटर्न्स देने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि तभी वो अपना हाई एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाई कर पाएंगे। सो कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि क्या वो बेंचमार्क्स को बीट कर पा रहे हैं या नहीं। वहीं इंडेक्स फंड्स एंड ETFs में एक्सपेंस रेशियो इज लोअर देन म्यूचुअल फंड्स क्योंकि ये पैसिव फंड्स हैं एंड इनमें फंड मैनेजर्स को सेट बेंचमार्क इंडाइसेस को ट्रैक करना होता है एंड उन इंडाइसेस की परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है तो इसलिए इनकी एक्सपेंस रेशियो एक्टिव म्यूचुअल फंड से कम होती है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इंडेक्स फंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट बेंचमार्क इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स को रेप्लिकेट करते हैं एंड ऑन एन एवरेज सेफर रिटर्न्स देते हैं। वहीं इन तीनों में से म्यूचुअल फंड सबसे रिस्की होते हैं क्योंकि इन ऑर्डर टू बीट द इंडाइसेस एंड जस्टिफाई देयर कमीशन फंड मैनेजर्स रिस्क लेते हैं एंड रेगुलरली स्टॉक्स बाय करते हैं एंड सेल करते हैं जो कि इन्हें रिस्की बनाता है।
एंड इफ वी टॉक अबाउट ETFs, तो वो कहीं इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं, क्योंकि ऑल्दो ETFs भी इंडाइसेस को रेप्लिकेट करते हैं, पर उनकी एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से ज्यादा होती है एंड वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं एट दी मार्केट प्राइस। ETFs को म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड से ज्यादा लिक्विड माना जाता है, क्योंकि इनमें यू कैन बाय एंड सेल ऑन दी एक्सचेंजेस ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग सेशन एंड इनमें आपको म्यूचुअल फंड की तरह एंड ऑफ द डे का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंडेक्स फंड्स आप एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे ही खरीद सकते हो एट अ पब्लिश्ड प्राइस। अब जब आपको पता है कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नाउ द मेन क्वेश्चन इज वेयर टू इन्वेस्ट इन। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, योर स्टॉक मार्केट नॉलेज एंड आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट पर। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड एंड ETFs आर गुड ऑप्शन, ऑल्दो ये एक ग्रोइंग मार्केट है पर दीज फंड्स आर सेफेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग। वहीं अगर आप कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट है दैट यू शुड इन्वेस्ट, यू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन दैट आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस व्हिच ऑप्शन इज सुटेबल फॉर यू, एंड फॉर मोस्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।